अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है विजय से। क्लास फोर मैथ्स कम डाउन सीरीज ऑक्सफर्ड, आज आप यूनिट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास फोर का मैथ का यूनिट टू, और यूनिट टू का आपका टाइटल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 22 और 23 पे, एक्सरसाइज 2A। कुछ बेसिक्स आपको समझानी है, उसके बाद ज्यादा आपकी एक्सरसाइज जो है वो जटिल टाइप है, वो हम पेज के ऊपर करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, साथ बोलता जाऊंगा, साथ आपको बुक का पेज दिखाता जाऊंगा। रूल्स ऑफ मल्टीपल्स मैंने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं, ये मैंने लिखा है सर्कल करके रेड और ग्रीन में प्रोमिनेंट करने के लिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 5 खोलें, और उसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, वीडियो बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2A, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2A। इसमें डिविजिबिलिटी के रूल बहुत डिटेल में डिफाइन किए हुए हैं कि कौन सा डिजिट किस किस चीज को डिवाइड कर सकता है। आपकी इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट ये पांच चार चीजें हैं जो डिविजिबिलिटी में जिसको डिस्कस किया गया है। अगर यूनिट प्लेस में आपने बगैर एक्चुअल डिवीजन अगर ये बताना है कि ये नंबर इसके साथ डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे बताना है, वो रूल्स देख में रखने हैं। बेटे बड़े सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट, चाहे वो 4 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 15 डिजिट ह्यूज अमाउंट हो, कोई इशू नहीं है, आपने ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन पांच डिजिट में से, 0, 2, 4, 8 पांच डिजिट में से कोई भी हो तो दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी। उसके बाद अगर पांच से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट प्लेस में 5 और 0 आएगा, 5 और 0। अगर यूनिट प्लेस पे 5 या 0 मौजूद है तो दैट अमाउंट कैन बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, 10 की बात कर रहे हैं तो अगर 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 जितने भी 0 हो, अगर 0 यूनिट प्लेस में मौजूद है तो दैट इज डिविजिबल बाय 10। ओके, डिजिट 3, कोई भी अमाउंट जिसका मजमुआ, लेट्स से मैं ये एक अमाउंट लिखता हूं 624। ओके, अब आपने एक्चुअल रियल नहीं करनी, आपने ये चेक करना है कि ये 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। आप इन तीनों डिजिट्स को आपस में जमा कर दो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 कितना आया 12, 3 का टेबल जरा याद करें आप और उसको 4 तक लेके जाएं, 3, 4 कितने होते हैं 12। अगर इनका मजमुआ जो भी आपको अमाउंट दी गई है उनके डिजिट्स को आपस में एड अप करें और एड अप करने के बाद वो 3 से डिविजिबल हो तो आपका ये एक्चुअल अमाउंट भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ आई है? 6, 7, 8 डिजिट भी अमाउंट हो उनको आपस में जमा करें, उसका मजमुआ जो आए, जो उसका एडिशन आए, एडिशन में जो आए उसको 3 से डिवाइड करके देख लें, अगर तो वो 3 से डिविजिबल है तो इट मींस कि ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है जी, ये तो है इसके बेसिक रूल्स। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। और एक बात, वीडियो हमेशा खास तौर पे मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की शुरू से लेके एंड तक पहले एक दफा देखें, और उसके बाद दूसरी दफा जब देखें तब उसके शॉर्ट नोट्स और अपना काम साथ साथ करें। अगर आप पहले पूरी एक वीडियो नहीं देखते तो आपका बेटे कंसेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होना जैसे हम चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी, तो ये बड़ी बुनियादी चीज है, इसको मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये काम आपने लाजमी करना है।
तो आइए अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और पेज नंबर 22 पे चलते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 22 आपने खोल लिया, क्लास 4 की एक्सरसाइज 2A। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज 5 एट द यूनिट प्लेस। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर 5 ही सिर्फ है तो डेफिनेटली वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। 156 इज डिविजिबल बाय 3, आपने डिजिट बताने हैं, 3 खाली प्लेसेस हैं। तो पहले तो बात ये है कि इसका आप देखें जो यूनिट प्लेस पे है ये इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो इवन नंबर जितने होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, एक बात तो ये होगी। तो पहले में हम 2 लिख देंगे, उसके बाद इनको जमा करके देख लें, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो दूसरी प्लेस पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है जी। और ये 2 और 3 है तो दोनों का मल्टीपल जो है वो भी इसको डिवाइड करेगा, यानी 6 भी इसको डिवाइड करेगा। और अगर आप इसको मजीद एक और पॉइंट पे ले जाएं तो ये 4 से भी डिविजिबल है। 4 का भी वही रूल है जो 3 का है कि अगर उसका मजमूआ ऐसा हो तो वो 4 से डिविजिबल होता है। मैंने पहले भी कहा है कि एक्सरसाइज 2A 5 क्लास की, उसकी बेसिक्स वाली वीडियो आप देखें तो आपको बड़ा डिटेल में उसका कंसेप्ट मिल जाएगा। इफ अ नंबर हैज 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। 0, 2 वाले में मैंने आपको बताया है, और 5 और 10 का भी मैंने बताया कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। अगर उसका मजमूआ जो है, ये पहले भी मैंने बताया अभी, अगर उसका मजमूआ 3 से डिविजिबल होगा तो वो भी डिविजिबल होगा। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, अभी मैंने ये दूसरे सवाल में करते हुए आपको बताया है कि तमाम के तमाम ऐसे नंबर जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, 20,589 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको मैंने ट्रू किया है, ठीक है, आप चेक कर लें, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24। तो 24 3 का मल्टीपल है, डेफिनेटली है, तो इट डज मीन कि ये 3 से डिविजिबल है। 160 इज डिविजिबल बाय 2, डेफिनेटली, क्योंकि हमने 2 के रूल्स में पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10, ये गलत है क्योंकि 5 के साथ तो ये डिविजिबल है, 10 के साथ डिविजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि एंड पे 0 हो, जो यहां पे नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5, डेफिनेटली जो 10 के साथ डिविजिबल है वो 5 के साथ भी डिविजिबल होगा। 5,563 इज डिविजिबल बाय 5, ये रॉन्ग है क्योंकि 5 के साथ डिविजिबल वो होगा जिसके एंड पे 5 या 0 आए, तो यहां पे तो 3 है तो ये डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6,234 यानी 6,234 इज डिविजिबल बाय, तो 5 के साथ तो ये डिविजिबल हो नहीं सकता क्योंकि एंड पे 5 या 0 नहीं है, 10 के साथ भी नहीं हो सकता, ठीक है जी, 2 और 5 के साथ हो सकता है, ठीक है, नहीं 2 और 5 के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 आ जाता है और इधर 5 नहीं है, तो हमारे पास बचेगा 2 एंड 3। और 4600 यानी 4600 डिविजिबल बाय 5 के साथ भी हो सकता है, 2 और 10 के साथ भी हो सकता है, 2 और 5 के साथ भी हो सकता है, 2, 5 एंड 10। तो अवर आंसर वुड बी दिस वन, क्योंकि ये 2 से और 5 से और 10 तीनों से डिविजिबल है। नंबर 3 पे है जी, 525 इज डिविजिबल बाय 5, 3, 2, 5, 5, 10। 10 के साथ तो है ही नहीं, 5 ओनली भी गलत होगा, 2 के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे इवन नंबर नहीं है। इनको जमा करके देख लें, शायद ये 3 के साथ डिविजिबल हो, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो आवर आंसर वुड बी 5 एंड 3। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, 5 के मैंने बताया था आपको कि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि उसकी यूनिट प्लेस पे एंड पे 5 या 0 हो, ठीक है जी। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिविजिबल बाय, ये इसके अंदर ही बेटे इसका आंसर छुपा हुआ है, ये 5 एंड 3,
क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 15 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, तो बड़ा सिंपल है, जिसके एंड पे इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, ऑड नहीं है। इवन और ऑड आपको पता है ना, जो दो से तकसीम होते हैं वो इवन होते हैं, जो ऑड होते हैं वो दो से डिविजिबल नहीं होते। तो या जो दो से डिविजिबल है वो हमने बताने हैं, तो ये हो सकता है 126 है, ये हो सकता है 427 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 134 हो सकता है, ये भी, इसमें भी 2 है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 4 डिजिट्स हैं, ए बी और ई और एफ, ठीक है जी, ये सारे ऑड नंबर हैं इसलिए ये नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो इसको चेक कर लें, 6 और 2 8, रूल मैंने बताया था कि इनको जमा करके देख लें, 6 जमा 2 8 जमा 4 12, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 4 12, ये हो सकता है, और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 भी 3 से डिविजिबल है, 3 6 आर 18, ये भी होगा, 130, 1 प्लस 3 4, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 6 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 6 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, ये भी डिविजिबल है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, जिनके आगे 0 और 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होंगे, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है जी, इसके एंड पे ना 5 है ना 0, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करें आप, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, तो जिनके आगे 0 आंखें बंद करके लगा दें, क्योंकि 10 सिर्फ 0 वाले को डिवाइड करेगा, तो इसके आगे 0 नहीं है छोड़ दें, इसके आगे 0 है ओके, इसके आगे 0 है ओके, ये भी नहीं, इसके आगे 0 है ये भी हो जाएगा, इस ये भी नहीं, ये भी नहीं, और इसके आगे 0 है ये भी हो जाएगा, ठीक है जी। बी सी ई और एच, यूज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 5 10 3, ठीक है जी, ये उन्होंने ब्लॉक दिया आपको, अगर जिस तरह ये उन्होंने लिखा है इस तरह हमने लिखने हैं कि 1872 इज डिविजिबल बाय 2 यस, 3 यस, 5 नो, 10 नो, तो हमने ये देखना है कि ये 2 के साथ डिविजिबल है, 2 की डिविजिबिलिटी में हमने चेक किया था कि 0 हो तो 2 से डिवाइडेड है, ठीक है जी, तो ये यस हो गया। 3 के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इनको जमा कर लेते हैं, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट वुड बी यस फॉर 3, 5 के साथ चूंकि एंड पे 0 है तो 5 के साथ भी ये डिविजिबल होगा, और 0 है तो 10 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब ये वाला नंबर चेक कर लें आप, तो इसके एंड पे 2 नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं, इनको जमा कर लें, 5 5 10 6 16, 16 3 19 और 7 26 और 6 32, 32 आता है इसका एडिशन, और 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और एंड पे 5 है तो डेफिनेटली 5 के साथ तो ये होगा, 10 के साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे 0 नहीं है, और 2971 इज डिविजिबल बाय 2 नो, क्योंकि एंड पे इवन नंबर नहीं है। 3 का चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18 प्लस 1 19, 19 आता है, और 19 एक प्राइम नंबर है, वैसे ही वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, 5 भी नहीं करेगा क्योंकि 5 और 0 नहीं है एंड पे, और 10 भी नहीं करेगा क्योंकि इसके एंड पे 0 नहीं है। ये एंड वाला देख लें आप, ये 2 के साथ डिविजिबल होगा, यस बिल्कुल होगा, 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 4 13, 13 नहीं, 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, और 5 के साथ है चूंकि एंड पे 0 है, और 10 के साथ है एंड पे 0 है। जी तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करवा दी है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इनको अच्छी तरह याद कर लेना है, अगर एंड पे प्राइम नंबर होगा यूनिट प्लेस पे, सॉरी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल है, अगर उसका मजमुआ जो है किसी भी वैल्यू का वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और एंड पे 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, एंड पे 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवा दी है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हमारे वीडियो कमेंट पे या नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और दूसरी बात, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो।